और मुख्य दरवाजा पे पूरा ये जो है कचरे से सना हुआ है। अब ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन नगर पालिका के जिम्मेदारों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि नगर को स्वच्छ रखने का, आखिरकार वह कार्यालय खुद जो है अपने जो है साफ सफाई की जब भीख मांग रहा हो तो इसे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर पालिका की आखिर तानाशाही कितनी है। और हालांकि ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जिस हिसाब से ये जो पार्षद यहां पर खड़े हुए हैं, इनके वार्ड वासियों का एक जत्था और समूह यहां पर जो खड़ा हुआ है, इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तानाशाही, लापरवाही, लचर व्यवस्था से नगर पालिका शहडोल का कार्य चल रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये मसला, ये मामला सामने आया है क्यों कि अपने वार्ड के पूरे कचरे को जो है उठा करके नगर पालिका कार्यालय के मुख्य दरवाजा पर रखना पड़ा। आइए हम सीधे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या मामला क्या है और ये नगर पालिका के फ्रंट गेट पे यहाँ पे तितर बितर तरीके से आप लोग कचरा यहाँ फैलाए हैं और आप लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं, क्या वजह क्या है इसका? वजह सिर्फ ये है, वार्ड वासियों की मांग पर आज हमने नगर पालिका के मुख्य द्वार पर उपस्थित अपना विरोध प्रदर्शन किया। आज से लगभग 15 दिन हो गया, पीएम साहब का झगड़ा प्रस्तावित तब से हुआ है, तब से शहर के पूरे हमारे सफाई कर्मी से लेकर PWD के लेबर हमारे और सीएमओ साहब से लेकर सारे कर्मचारी अधिकारी जितने सब पीएम साहब की ड्यूटी में मशगूल। बकरीद है कल आने वाले, कल में बकरीद 29 तारीख को हमारा बड़ा त्यौहार है, मुस्लिम समाज का बड़ा पर्व है। इस पर्व को लेकर हम सीएमओ साहब से बात किए, उनका साहब लेकिन पीएम साहब का दौरा 26 तारीख की शाम को स्थगित हो गया। 26 तारीख की शाम से लेकर आज 28 तारीख की शाम तक हो गई, नगर पालिका का वो अमला, वो कर्मचारी कहाँ है, किस नेता के भावभगत में लगे हैं, किस मंत्री के भावभगत में लगे हुए हैं। हमारी मांग ये है, हमारे वार्डवासी बोले भैया आज तो कुछ करवा दो, आज सुबह से मैं फोन लगा रहा हूँ सीएमओ साहब को, एई साहब को, एसी साहब को, अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को, नगरी स्वच्छता निरीक्षक साहब को, सारे लोगों को मैं फोन लगा के अवगत करा रहा हूँ पूरी स्थिति से, बुला रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन उनका एक रटा रटाया जवाब है आके देखेंगे। शाम को 5 बजे तक हमने इंतजार किया, उसके बाद वार्ड वाले हमारे घर में आ गए तो हम लोगों ने खुद बेलचा उठाया और इस कचरे को नाली से निकाला, कचरे से नाली निकाल के बोरी में भर के नगर पालिका की संपत्ति नगर पालिका को अर्पण करने के हम ये विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। और ये विरोध प्रदर्शन तब रुकेगा जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी आज ही, क्योंकि हम आश्वासन पे रखने वाले नहीं है, क्योंकि तो जिसके लिए हम मांग कर रहे हैं, त्यौहार की वजह से मांग कर रहे हैं, कल ही हमारी बकरी। अभी जैसे आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन या कुल मिलाकर के नारेबाजी हड़तालबाजी कर रहे हैं, लगभग कितना समय हो गया और क्या यहाँ कार्यालय में जो जिम्मेदार बैठे हैं यहाँ पे, क्या आवाज सुनकर के किसी अधिकारी ने यहाँ आने की कोशिश या चेष्टा की कि नहीं की? नहीं, किसी ने लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे अभी जाकर के अभी फिलहाल आपने बात करने की कोशिश की क्या? बात करने की भी कोशिश की है लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं आ रहे हैं, इतना नारेबाजी हो रही है, इतने 1 से 2 घंटे हो गए आए यहाँ और अभी तक इतने नारेबाजी हो रही है, इतने नारेबाजी में तो कलेक्टर भी आ जाता है, यहाँ के सीएमओ नीचे नहीं आ पा रहे। मैडम का भी फोन आया था मेरे पास, मैडम सीएमओ से बात करती हूँ, अभी तक कलेक्टर मैडम की बात होने के बाद भी अभी सीएमओ साहब यहाँ उपस्थित नहीं। आप लोग अगर घंटे तो देखा जाए कितना समय अभी हो गया, अभी हम 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, ये 1.5 घंटे हो गए। और दूसरी बात ये बताइए, 1.5 घंटे से ज्यादा आप लोग यहाँ पर आए हो गए जी जी, और कलेक्टर मैडम से जो बात करने की जो बात कर रहे हैं आप लोग, कितने देर पहले कलेक्टर मैडम से बात करें? लगभग कलेक्टर मैडम को 5:03 फोन आया, अभी क्या टाइम मैडम से बात मैडम से बात किए और अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो कितने का डिस्टेंस हुआ? 1 घंटा 10 मिनट हो गए। ये कसमों कस की स्थिति साहब, और जैसे कि ये बता रहे हैं कि लगभग जो है 1.25 घंटे हो गए उनको यहाँ पे जो है इन लोगों को यहाँ पे नारेबाजी करते, हड़तालबाजी करते और अपनी जो है समस्या को जिम्मेदारों तक पहुंचाते हुए, और बहरहाल ये बता रहे हैं कि जिला प्रशासन की मुखिया श्रीमती वंदना वैद्य कलेक्टर महोदया से भी इन्होंने बात की और उनसे बात किए लगभग जो है 1.25 घंटे के आसपास हो गए, उसके बावजूद भी जो है अभी तक जो है
प्रशासनिक अधिकारियों को कोई अमला या व्यक्तिगत तौर पर यदि हम बात करें कि कोई आकर के इनकी समस्या को संज्ञान में ले, बहरहाल वह तो दूर की बात है, लेकिन दूर दूर तक आपको जो है आपको सीधे तस्वीर में दिखाता हूँ। कैमरा पर्सन कहेंगे आप तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर देखिए जद्दोजहद की जो स्थिति है, काफी सारे लोगों की यहाँ पे तादाद है, भीड़ है, और खासतौर पर यदि मैं बात करूँ उस वार्ड के जो है वार्ड वासियों की बात करूँ जो कि अपने न्याय की गुहार लगाने के बावजूद भी यहाँ पर इस कस्बों का स्थिति में इंतजार कर रहे हैं कि बहरहाल कोई भी जो है जिम्मेदार यहाँ तक आए और हमें आश्वासन स्वरूप जो बातें की गई थी उसका सख्त से सख्त निराकरण किया जाए। हालांकि या उनकी संवेदनशीलता हो सकता है कि बतौर जो उनके जहन में दिमाग में हो, लेकिन ऐसी भी संवेदनशीलता क्या मतलब का साहब जो कि धरातल स्तर पर आने के बाद उनकी समस्या का निराकरण न किया जाए। ये देखिए पीछे में आप तस्वीर देखिए, वार्ड वासी लगातार यहाँ पे अपनी मांग के लिए एकत्रित होकर खड़े हैं, लेकिन जहमत उठाने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं। फ्रंट में आपको जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है मानस भवन नगरपालिका परिषद शैडो का, वहां भी गए काफी सारी गाड़ियां वहां पे वाहन खड़े हुए हैं। बतौर ये निश्चित तौर पे जो है जिम्मेदारों के दिमाग में जानकारी ये आ चुकी है कि वार्ड के पूरे वार्ड वासी और खुद उनका प्रतिनिधित्व करते हुए सुफियान खान जो कि पार्षद उस वार्ड के वहां खुद मौजूद है, बावजूद इसके किसी भी प्रकार से कोई भी जिम्मेदार जो है अपनी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराने से न जाने आखिरकार क्यों संकोच कर रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि यदि हम जो है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं, हालांकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे न जा रहे न ही जाना चाहते, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने यह बात कही, बड़ी बात कही कि आने वाले कल के डेट में जब एक बड़ा त्योहार पूरे राष्ट्र में जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है मनाया जाता है, और निश्चित ही जो है वर्ग हर समाज का हर वर्ग हर काम जो है उनसे गले लगते हुए उन्हें बधाइयां देता है, और ऐसे में जो है जब इनका त्योहार एक बड़ा बकरीद जो है कल के डेट में पूरे भारतवर्ष में जब मनाया जाएगा तो उनके इस त्योहार को उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका शेड्यूल के जिम्मेदारों के द्वारा ये तानाशाही और लापरवाही क्यों की जा रही है। इन्होंने बताया कि आगामी जो है अभी जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले जो है प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो स्थगित हो गया, और उसके बाद जो है आने वाले 1 जुलाई को उनका कार्यक्रम फिर से पुनः यहाँ जो है प्रस्तावित किया गया है। जब ऐसे में लगभग 3 से 4 दिन का भी समय जो है जिला प्रशासन संभागीय प्रशासन के पास यदि है, उसके बावजूद भी जो है इनकी समस्याओं को संज्ञान में क्यों नहीं लिया जा रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिम्मेदारों के ऊपर, यह एक बड़ा सवाल है यह लापरवाह और तानाशाही अधिकारियों के ऊपर। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ तस्वीर, ये देख सकते हैं आप, ये फ्रंट गेट है, ये चैनल गेट है जो कि यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पे जो है जरा बोर है कचरे। अब भला आप अंदाजा लगाइए कि जो कचरा जो है नगर पालिका के एक ऐसा विभाग ऐसा समूह ऐसा जत्था और ऐसे कर्मचारियों के द्वारा जो है नगर का भ्रमण करते हुए जब कचरे की साफ सफाई की जाती है, और ऐसे में उन्हीं जिम्मेदारों के कार्यालय में जब कचरा सराबोर हो तो यह अपने आप में एक ताज्जुब का विषय है। पीछे की तस्वीर देखिए, यहाँ पे लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो युवा साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, और सिर्फ एक मांग है कि इनकी समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। यदि समस्या का निराकरण आज जैसे आप लोग कह रहे हैं, यदि समय रहते नहीं किया जाता है, कल आप लोग त्योहार है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन अधिकारियों को, और नारेबाजी हड़ताल के माध्यम से आगे का भी कोई चरण है आप लोग का क्या? हम लोग आगे ये करना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक निराकरण नहीं होगा, और आज ही होना चाहिए। अगर अभी नहीं हटता है तो पूरी रात यही रहेंगे, आंदोलन हो सकता है। अगर उसमें अपने को आधे घंटे का टाइम मिलता है तो हम जाकर नमाज पढ़ के फिर आके यहीं बैठे। अभी कम आवाज़ किस आंदोलन की बात कर रहे हैं, जैसे ये आंदोलन का प्रथम चरण था, यद्यपि समस्या का निराकरण नहीं होता है तो आगामी जो है चरण या आंदोलन किस हद तक होने की संभावना? मेरे ख्याल से आंदोलन कम निवेदन ज्यादा है। अगर वक्त रहते इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो आप भी जानते हैं कि ईदगाह में इस जो है शहर में बड़ी संख्या में जो है अल्पसंख्यक समाज रहता है, और मेरे ख्याल से फिर पूरे अल्पसंख्यक समाज के जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, हो सकता है कि ईद की नमाज पहले या उसके बाद भी इसका घेराव हो फिर से। बहरहाल अभी लगभग शाम के 6:30 के आसपास समय हुए हैं, और ऐसे में जो है हमें जो जानकारी सूत्रों से और इन युवाओं से
कि कुछ जिम्मेदारों का यहाँ से आवाजाही जो है कुछ देर पहले से लगातार हो रहा है। बताओ इसके कि अगर वो जिम्मेदार अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ये बात लाए, और साहब लाए या ना लाए वो तो बात की बात है, जब वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ही ये बात है उसके बावजूद भी यहाँ पर नहीं आ पाना, अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क के अलावा कुछ भी नहीं लगाता है। देखिए आप देख सकते हैं सीढ़ियों से जो है जिम्मेदारों की बात करें आकर के यहाँ पे जो कि ये आंदोलन कर रहे हैं उनके कान में आकर के तमाम प्रकार की बातें आदान प्रदान की जा रही है। बहरहाल अब वो जिम्मेदार ही जाने कि क्या बातें उनसे कर रहे हैं, क्या मोहलत मांग रहे हैं। लेकिन ऐसे में पुनः एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि यदि एक जो है वर्ग तीन या वर्ग चार के कर्मचारियों से बात अगर की जाए तो इससे बेहतर होगा कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि ये कार्यालय में बैठ करके पूरे जो है नगर के समस्त वार्डों का संचालन किया जाता है उन्हें हर हाल में यहाँ आना ही आना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि इनके जो आंदोलन स्वरूप यहाँ पे जो कचरा जो मलबा यहाँ फ्रंट गेट में रखा गया है और इनके द्वारा जिस हिसाब से मैडम कलेक्टर से भी फोन में बात की गई, मैडम ने आश्वासन भी दिया कि मैं सीएमओ साहब को फोन करती हूँ। अब देखते हैं कि वाकई में उनका फोन कॉल या तो जो सुबोगाट जानकारी सारे जिम्मेदारों का है कि जहां तक जो है बड़े चुस्ती फुर्ती के साथ या फिर जो है सुस्ती के साथ जो है इस कार्य को कितने समय जो है इनके समस्या के निराकरण में तब्दील करते हैं ये वक्त और समय ही बताएगा। हालांकि हम भी उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर निवेदन भी करते हैं सभी संवेदनशील अधिकारियों से, इसलिए क्योंकि लगातार जो उनके द्वारा जब नगर के चहुंमुखी विकास के लिए या फिर सुंदरता और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रकार के जब कार्य किए जाते हैं तो ऐसे में अगर हम व्यक्तिगत रूप से इस कार को या उस वार्ड को या फिर जन समुदाय को हम चिन्हित करके यदि यह बात करें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल ये नगर पालिका शहडोल नगर पालिका का ये परिसर है, इस परिसर से एपीआर न्यूज के लिए मैं श्याम मणिपुरी पुनः की तरह एक बार आप सभी को जय हिंद जय भारत। देखिए अंततः जो है घंटे दो घंटे जो है हो हंगामा के बीच में जिम्मेदार यहाँ पे काफ़ी लोग यहां पर पहुंचे और ये जो फ्रंट जो गेट है आपको मैं दिखा दूं जहां पे कचरा जो है वार्ड वासियों के द्वारा और सुफियान खान पार्षद के द्वारा जो फ्रंट गेट पे जो कचरा रखा गया था और किसी भी प्रकार से जो है जिम्मेदारों तक ये जानकारी पहुंची और जिम्मेदारों ने ये त्वरित आश्वासन भी दिया कि हम अभी त्वरित जो है सफाई कर्मचारियों को वहाँ भेज करके समस्या का निराकरण कराते हैं। और ये नगरपालिका का मुख्य द्वार है जहाँ पे जो है सारे जो है कचरे और मलबा जो है यहाँ पे रख दिया गया था बतौर जो है आक्रोशित भाव में, और पुनः एक बार फिर से जो है सारे के सारे जिम्मेदार यहाँ पहुँचे और कर्मचारियों को जो है उन्होंने त्वरित जो है निर्देशित किया, आदेश दिया उन्हें कि आप तत्काल जा करके वहाँ जो है वहाँ की मुकम्मल व्यवस्था करें और समस्या का निराकरण करें। और ऐसे में जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे और आक्रोशित भाव से जो वार्डवासी यहाँ पर जो खड़े हुए थे वह जो है आश्वस्त होने के उपरांत जो है फिर सारे के सारे यहाँ से अपने अपने गंतव्य स्थान को जाने के लिए यहाँ से मजबूर हो गए। और देखिए आपको हम तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर जद्दोजहद की स्थिति थी और उसके बाद देखिए यहाँ पे पुलिस के सारे अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हो चुके थे ताकि किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो कोई अप्रिय घटना ना घट सके। हालांकि बार बार जो है उन्हें यह आश्वासन दिया जा रहा था कि हम त्वरित इसका जो है निराकरण करेंगे। अब देख सकते हैं इस भीड़ में जो है यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे थे उनके अलावा जो है पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला यहाँ सजगता के साथ जो है खड़ा हुआ है और उन्हें आश्वासन यह दिया गया कि हम जो है समस्या का निराकरण जल्द ही करा देंगे। और देखिए आप देख सकते हैं सोहागपुर थाना प्रभारी पटेल जी भी यहाँ पर मौजूद हो गए थे और यदि हम बात करें कोतवाली थाना प्रभारी जो है परिहार साहब की बात करें वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उनके सारे दलबल और अमला यहाँ पे मौजूद थे। और यहाँ पे जो है तहसीलदार जी की बात करें, सोनी साहब की बात करें, वो भी यहाँ मौजूद हैं, एक साहब और भी उनके बगल में खड़े हुए हैं और उनके द्वारा जो है ये आश्वासन दिया गया कि त्वरित जो है हम समस्या का निराकरण जो है हम करा रहे हैं। और ये सारी उनकी जो है बातें और उनका आश्वासन पश्चात जो है फिर त्वरित जो है यहाँ से उनके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उनके द्वारा जो नारेबाजी की जा रही थी उसे तत्काल जो है समाप्त किया गया और फिर निश्चित तौर पर उनका एक जनसमूह जो था वार्डवासी जो है आक्रोशित भाव से फिर जो है आश्वस्त हुए और उनकी मांगे मान ली गई और तत्काल जो है वहाँ पे जो है सफाई कर्मचारियों का समूह भेजा गया। और ऐसे में जो है मुख्य द्वार को उन्होंने जो घेर रखा था, अंदर के कर्मचारी अधिकारियों को बाहर नहीं होने दिया जा रहा था, त्वरित जो है आश्वासन मिलने के बाद फिर मुख्य द्वार को जो है वहाँ से खाली करा दिया गया और वहाँ पर जो कचरा पड़ा था उन्हें जो है साफ भी करा दिया गया। ऐसे में बड़ी सजगता के साथ तन्मयता के साथ पुलिस का हर एक जवान हर एक वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर अपनी मौजूदगी अपनी उपस्थिति यहाँ
वगैरह दर्ज कराए हुए थे ताकि किसी भी प्रकार से अफरा तफरी का कोई माहौल जो है यहाँ पे ना हो पाए। और ऐसे में जो है देख सकते हैं आप जो है पुनः जो है भीड़ जो है तितर बितर हो चुकी है। और आइए हम थोड़ा सा एक बार और जानने की कोशिश करें, क्यों सुफियान भाई आप लोग को आश्वासन जैसे कि आप लोग को मिला, संतुष्ट हैं आप आश्वासन से? हाँ, साहब आए थे और तहसीलदार साहब आए थे, पीआई साहब सारे लोग आए थे और नगर पालिका उपाध्यक्ष जी भी थे, एसए साहब यही साहब यहाँ खड़े थे और यहाँ तत्काल टीम बना के रवाना की गई और बोला गया जब तक आज इस तारीख में साफ सफाई नहीं जाती तब तक वहाँ काम चालू रहेगा। आप लोग आश्वस्त हैं, मतलब संतुष्ट हैं आश्वासन से? और यहाँ पे यही भरोसा दिलाया गया एडीएम साहब के द्वारा कि मैं वहीं पर खड़ा रहूँगा, मॉनिटरिंग मैं खुद करूँगा। चलिए ये आश्वस्त हुए और निश्चित ही जो है जैसे कि आपको फिर से एक बार मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, पुलिस के सारे जवान की यदि बात करें, हम कोतवाली शेड्यूल की बात करें, सोहागपुर थाने में पदस्थ जो है सभी अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम थोड़ा सा दो शब्द जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या था और क्या आश्वासन इन्हें दिया गया, संतुष्ट हुए या नहीं। जी सर, वार्ड नंबर 3 में सुफियान खान जी हैं, उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि वहाँ पानी के जाने से काफ़ी तकलीफ हो गई है और उसी के लिए यहाँ पर आए थे विरोध करने के लिए, तो वहाँ पर हमारे सफाई कर्मचारी पूरी टीम चली गई है, वो मान भी गए और कल बकरीद भी है, आज साफ सफाई सब हो जाएगी, हम लोग कल उनके प्रोग्राम में शामिल होंगे। आप सभी अधिकारी यहाँ सजगता के साथ यहाँ उपस्थित हुए, यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था और बड़ी सजगता चुस्ती फुर्ती के साथ आप लोगों के द्वारा जो ने आश्वासन दिया गया और भीड़ यहाँ से हट गई, क्या था मामला और क्या आश्वासन दिया गया, क्या कितने हद तक वे संतुष्ट हुए? मामला त्यौहार को लेकर के साफ सफाई को संबंधित उसको लेकर के कुछ आम नागरिक आए हुए थे नगर पालिका ज्ञापन देने वगैरह, बात उन्होंने रखी थी, वहाँ पर साफ सफाई का अमला भेज दिया, पूर्व में भी साफ सफाई की गई थी पर कुछ वार्डवासियों द्वारा विरोध किया गया था, अब काम निरंतर जारी है, सब भीड़ डिस्पर्स हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बेहतर सकारात्मक जो है आश्वासन, सकारात्मक सोच और सकारात्मकता तरीके से यहाँ पे अलग अधिकारियों की बात कर उपस्थिति यहाँ दर्ज कराए थे और निश्चित ही यहाँ पे जो है अफरा तफरी का माहौल जो उत्पन्न हो रहा था उस पर जो है रोकथाम लगाया गया और एक बेहतर आश्वासन स्वरूप जो है सारे जो है आंदोलन करने वालों को यहाँ से जो है आश्वासन देते हुए उनकी समस्या का निराकरण कराने के लिए वो बाध्य हुए। बहरहाल हम अपेक्षा उम्मीद भी करते हैं कि ऐसे ही जो है पुलिस व प्रशासन जो है अपने सकारात्मक कार्य का प्रमाण हमेशा देते ही रहे।